हेलो एवरीवन, आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं सोशल स्टडीज़ की। ये सीरीज़ अगर आप जूनियर एडिट का एग्ज़ाम दे रहे हैं सुपर टेट, अगर आप सुपर टेट का एग्ज़ाम देंगे प्राइमरी वाला, या फिर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप यूपी टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं सोशल साइंस की, तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। इस सीरीज़ में हम टॉपिक को समझेंगे, देन उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज़ होंगे उनको करेंगे। ओके, मैंने यहाँ पे एमसीक्यूज़ नहीं, वन वर्ड आंसर्स लिए हैं। ओके, क्योंकि ये रिटन फॉर्म में है तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आज का टॉपिक है हमारा सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहे हैं हम। हमारी सोर्सेज क्या है हिस्ट्री की? देखिए, दो सोर्सेज होती हैं, एक तो है लिटरेरी सोर्स, एक है नॉन लिटरेरी सोर्स। ओके, जो भी आपका रिटन अकाउंट है, मतलब जो भी लिखी हुई चीज़ें हैं पास्ट की, वो सब। लिटरेरी में भी आपके दो टॉपिक्स आते हैं, एक होता है रिलीजियस लिटरेचर और एक होता है सेक्युलर। रिलीजियस में आते हैं आपके धर्म से रिलेटेड चीज़ें। ओके, तो लिटरेरी सोर्सेज में जो आपका रिलीजियस लिटरेचर है, उसमें सबसे पहले है आपका वेदास। हमने पढ़े हैं कि चार वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उसके बाद है आपका उपनिषद। उपनिषद किससे बने? वेदांत, ठीक है। और जो आपके लिटरेरी सोर्स हैं, इसमें आपके फिलोसफिकल डिस्कशंस के बारे में हम बात करें, लाइक आत्मा और परमात्मा। ओके, नेक्स्ट है आपके सूत्रास, जिसमें आपके रिचुअल लिटरेचर्स लिखे होते हैं और मॉरल वैल्यू, रिचुअल्स चीज़ें भी जो भी होती हैं आपकी, उससे रिलेटेड। ओके, ये आपको दे रखा है। उसके बाद आपको एपिक दे रखी है, जिसे एपिक्स में आपके रामायण आ जाएंगे और महाभारत। फिर है आपका बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट। जो भी आपके बुद्धिस्ट के जो भी रिलीजियस टेक्स्ट हैं, जो भी बातें लिखी हुई हैं, वो सब पाली में लिखी हुई हैं। इसको जाना जाता है त्रिपिटाका के नाम से, त्रिपिटाका। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? सूत्र पिटाका, विनय पिटाका और अभिधम्म पिटाका। ओके, तो बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट कौन सी लैंग्वेज में लिखे हैं? पाली लैंग्वेज में। और जैन टेक्स्ट किस में लिखे हैं? प्राकृत में। तो आपको पता होना चाहिए कि बुद्धिस्ट पाली में लिखे हैं और जैन प्राकृत में। ओके, इसमें आपके फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स आएंगे आपके जैन के जो टेक्स्ट हैं उसमें। एक आपको पॉइंट दे रखा है, आर्कियोलॉजिकल क्या होता है? वो सारे ऑब्जेक्ट जो कि अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, जैसे कि कॉइंस, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स जो पहले के टाइम पे बनाए गए हैं, जैसे ताजमहल अभी भी है, बहुत सारी पेंटिंग्स हैं और बहुत सारे स्कल्पचर्स, मूर्तियां हैं। ओके, जो पुरानी है और आज के टाइम पे भी प्रेजेंट हैं। ये फर्स्ट जो टॉपिक है आपका बहुत ही बेसिक सा है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, बट जो भी है इम्पॉर्टेंट है, तो आप प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। तो लिटरेरी सोर्सेज में अभी हमने रिलीजियस लिटरेचर की बात की थी, अब हम सेक्युलर लिटरेचर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है आपके धर्मशास्त्र, जो लॉ की बुक जो होती है, ड्यूटीज़ ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। देखिए, इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल जो है आपका स्मृति होती है, इसमें बहुत सारी, और इसमें सबसे बड़ी होती है आपकी मनुस्मृति। ओके, एक आपको दे रखा है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ओके, कौटिल्य, इन्फॉर्मेशन अबाउट मॉडर्न पीरियड पॉलिटी एंड इकोनॉमी। कौटिल्य किसका नाम था? चाणक्य का, आप जानते होंगे। एक आपको दे रखी है अष्टाध्यायी, जिसमें जो कि किसके द्वारा लिखी गई है? पाणिनि के द्वारा। वर्क ऑन ग्रामर, मतलब ग्रामर से रिलेटेड बुक है, और जो कि किसने लिखी है? पाणिनि ने। नेक्स्ट आपको दे रखा है कंपोजिशन ऑफ कालिदास। कालिदास ने क्या क्या लिखा है उसके बारे में बता रखा है। अभिजना शकुंतलम, ऋतु शर्मा और मेघधूतम, ये तीनों ही जो है ये कालिदास ने लिखी है। इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी सोशल और कल्चरल लाइफ ऑफ गुप्तास, जो भी गुप्तास की सोशल और कल्चरल लाइफ थी उसके बारे में। नेक्स्ट है आपका रजत रागिनी बाई कालाहन, किसने लिखी थी ये? कालाहना ने। इसमें आपको बता रखा है सोशल लाइफ ऑफ ट्वेल्थ सी ही कश्मीर, कश्मीर के सोशल लाइफ के बारे में। और आपको क्या मिलता है? चैत्रास या फिर बायोग्राफीज, जो कि ये जो बड़े बड़े राजा होते थे, इनकी जो सभा होती थी, इनकी जो कोर्ट होती थी, उसमें पोइट बैठते थे, तो वो इनकी प्रशंसा करते थे, प्रेस मतलब इनकी प्रशंसा करते थे अपने रूलर्स की, ठीक है, जो वो लिखते थे उसमें। जैसे कि आपने सबसे फेमस है ये हर्षचरिता, जो कि बाना भट्ट ने लिखी थी, अपने जो किंग थे हर्षवर्धन, उनके बारे में इसका जिक्र किया गया है। नेक्स्ट है आपका संगम लिटरेचर।
ये अर्लीस्ट साउथ इंडियन लिटरेचर है बाय पोइट हु ज्वाइन टुगेदर इन असेंबलीज संगमा। ओके, इसमें एग्जांपल आपको बता रखे हैं, एक तो आपको दे रखा है सिलिपदिकरम और एक मनी मेकली। ओके, टेल अबाउट साउथ इंडियन सोसाइटी पॉलिटी इकनॉमी। इसमें जो भी साउथ इंडियन आपकी जो सोसाइटी है उनकी वहाँ की पॉलिटी कैसी थी, वहाँ की इकनॉमी कैसी थी, उन सबका डिस्क्रिप्शन इसमें दे रखा है। तो ये हो गए आपके लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स में हमने पढ़ा रिलीजियस लिटरेचर और हमने पढ़ा सेक्युलर लिटरेचर। ओके, नेक्स्ट जो है वो आपको दे रखा है नॉन लिटरेरी सोर्स। अब नॉन लिटरेरी सोर्स में क्या आएंगे, इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस को और हम क्या बोलते हैं, प्रशस्तीज। देखिए, इंस्क्रिप्शंस जो होती थी, राइटिंग्स एनग्रेव्ड ऑन हार्ड सरफेस सच एज स्टोन मेटल लाइक कॉपर। आपने पढ़ा होगा जैसे पत्थरों पे लिखवा देना, रॉक्स पे लिखवा देना, ठीक है। जो बड़े बड़े राजा होते थे वो अपने वॉर जो भी जीतते थे उसके बारे में लिखवाते थे, जैसे अशोका के टाइम पे बहुत लिखवाया, पिलर्स पे लिखवाना, ठीक है। तो स्टेट पॉलिसी जो इशू करी थी अशोका ने वो भी ऐसे ही करी थी। एंड लैंड ग्रांट्स बाय सतवानास किंग ऑफ डेक्कन। तो ये जो इंस्क्रिप्शंस होता था ये इसके बारे में, मतलब जो पत्थरों पे जो लिखवाया जाता था एनग्रेव्ड करके, वो चीज़ वो होती थी आपकी इंस्क्रिप्शंस। ऐसी मैन्यूस्क्रिप्ट्स आपने पढ़ा होगा जो पाम लीव्स पे जो लिखा जाता था वो। नेक्स्ट आपको बता रखा है अर्लीस्ट कॉइन फाउंड इन इंडिया। जैसे पंच मार्क्ड कॉइन होते थे जिसमें सिम्बल्स बने हुए होते थे, ये जो कॉइन्स होते थे ये सिल्वर के और कॉपर के बने हुए होते थे। जो इंडो ग्रीक थे इन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करे थे गोल्ड कॉइन्स के। कॉइन्स विच बोर द नेम्स एंड इमेजेस ऑफ द रूलर्स, मतलब जो राजा जो होते थे उनकी फ़ोटो होती थी, उनके नाम लिखे होते थे कॉइन्स पे। नेक्स्ट आपको बता रखा है अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। देखिए, जो फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एलेक्जेंडर कनिंगम, जो फर्स्ट सर्वेयर जनरल जो था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, वो कौन था, अलेक्जेंडर कनिंगम। मतलब सबसे पहले जो सर्वे करने आया था, ये जो सब आर्कियोलॉजी वगैरह है इनका जो कर रहा था, वो किसने करा था, अलेक्जेंडर कनिंगम ने। मतलब यही सबसे पहले सर्वे करने आया था इंडिया में। ओके, किसका, ये भी जो भी आपके आर्कियोलॉजिकल क्या जो पुरानी चीज़ें होती हैं इनका पता लगाना, कैसे क्या है, ठीक है, लोग पहले कैसे थे, कैसे कॉइन्स थे, इन सब चीज़ों का पता लगाना। उसके बाद चलिए कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे इसमें बता रखा है मैन्यूस्क्रिप्ट्स रिटन ऑन पाम लीव्स, मैंने आपको बताया था, ठीक है। द डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड, हाथों से लिखी हुई होती थी, इसलिए उन्हें क्या बोलते थे, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इंसान द्वारा हाथों से लिखी गई। जो अर्थशास्त्र है वो किसने लिखी है, कौटिल्य, मतलब चाणक्य ने। स्टडी द मटेरियल रिमेन ऑफ द पास्ट इज, मतलब जो आप जो पहले की चीज़ें जो होती हैं उनके बारे में स्टडी करते हो, पता लगाते हो, अच्छा हमें इससे ये पता चला कि पहले के टाइम पे ऐसा होता था, ये क्या होता है, आर्कियोलॉजी। स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, जो आप इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ते हो, जो पहले राजा लिखवा गए पत्थरों पे, पिलर्स पे, उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, एपिग्राफी। स्टडी ऑफ कॉइन्स, सिक्कों के बारे में पता करना, उसको बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। सांची स्तूपा एंड अशोक पिलर ये इसी के एग्जाम्पल हैं। ओके, एक ड्रामा है विशाखदत्त का, क्या है, मुद्रा रक्षा। ओके, कालिदास ने कौन सी लिखी थी, मालविका, मालविका अग्निमित्रा, ये किसके टाइम पे लिखी थी, शुंगा डायनेस्टी के टाइम पर। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मालविका अग्निमित्रा है वो किसके टाइम पे लिखी थी, शुंगा डायनेस्टी के टाइम पे। रिटन फेमस बुक हिस्टोरिका, एक फेमस बुक है हिस्टोरिका, ये किसने लिखी थी, हेरोडोटस ने। ऋग्वेद में आपके 10 मंडल हैं, 1028 सूक्तास हैं एंड 10,580 ऋचास हैं। रिटन अबाउट इंडिया एट द टाइम ऑफ महमूद इन्वेजन, इन्होंने इंडिया के बारे में लिखा था जब महमूद का इन्वेजन हुआ था, किसने लिखा था, अलबरूनी ने। सत सहर्षि संहिता, ये किसको बोला जाता है, महाभारत को। सबसे पहली स्मृति कौन सी है, मनुस्मृति। नेक्स्ट ये रखा है बुक मैंशन द वर्ना सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम, कौन सी बुक में सबसे पहले वर्ना सिस्टम लिखा गया, तो वो लिखा गया आपका ऋग वेदा में। अच्छा, वेदा का मतलब क्या होता है, नॉलेज, आपको कितना ज्ञान है। वेदा बुक द वंडर दैट वॉज इंडिया, ये किसने लिखी है, ए एल भाषण ने। हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया, ये किसने लिखी है, सतीश चंद्र। अब आपको कुछ इंस्क्रिप्शंस के बारे में बताते हैं कि किसने कौन सा करवाया। जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है वो करवाया समुद्रगुप्त ने। जूनागढ़ का कराया रुद्रदमन ने। हाथी गुम्फा एलिफेंट केव ये किसने करवाया, खारवेला। और किंग चंद्रा मेहरौली आयरन पिलर।
विच गुप्त इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब चंद्रगुप्त सेकेंड एज राजा दिराश्री, मतलब जो चंद्रगुप्त जो सेकेंड थे उनको एक टाइटल मिला था राजा धीराज श्री का, तो आपको कैसे पता चला? ये उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन है चंद्रगुप्त सेकेंड के टाइम की, वहाँ से हमें पता चला। चंद्रगुप्त सेकेंड का जो फर्स्ट इंस्क्रिप्शन जो था वो था मथुरा स्टोन इंस्क्रिप्शन। देखिए जो सती प्रथा के बारे में जो हमें पता चला, मतलब सती प्रथा के बारे में जो है उसका जो उल्लेख किया गया है वो एरन पिलर इंस्क्रिप्शन पे करा गया है ऑफ भानुगुप्ता। ओके, इम्पॉर्टेंट है ये, आपको पता होना चाहिए। बुद्धास लाइफ, बुद्ध चरिता और सौंदर नंदा काव्य रिटन इन काव्य स्टाइल, ये किसने लिखी थी? अश्वघोष ने। बानाभट्ट का हम पढ़ चुके हैं, बानाभट्ट हर्षचरिता किस पे लिखी थी? ये हर्षवर्धन के बारे में लिखी गई थी, इनके जो कोर्ट पोएट थे उन्होंने लिखी थी। विच ऑथर हैज़ रिटन अबाउट अलेक्जेंडर इन्वेजन इन इंडिया, किसने बताया था जो अलेक्जेंडर का जो इन्वेजन हुआ था इंडिया में उसके बारे में? एरन। ओके, रजत रागिनी बाय कालाहन इन एडी, ये भी हम पढ़ चुके हैं, इसमें हमें कश्मीर के इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चला था। हु रोट हिस्ट्री ऑफ वॉर, हिस्ट्री ऑफ वॉर किसने लिखी थी? एरिस्टोबुलस ने। पतंजलि महाभाष्य, द बुक द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये किसने लिखी थी? वी ए स्मिथ। और जो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया ये लिखी थी जेम्स मिलने। अब फिर से कुछ इंस्क्रिप्शंस के बारे में बता रखा है, ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस हैं, जैसे कुमार गुप्ता वन ने बिलसाद इंस्क्रिप्शन करा था और कुमार गुप्ता सेकेंड ने सारनाथ का। भानुगुप्ता जो मैंने आपको बताया था एक एरन पिलर था जिसमें सती प्रथा के बारे में उल्लेख कर रखा था। ओके, मालविका अग्निमित्रा ये भी हमने पढ़ा था कि ये कालिदास ने लिखी थी, जिसमें इंफॉर्मेशन बता रखी है ऑफ द रीजन ऑफ शुयमित्रा, मतलब शुंगा डायनेस्टी के बारे में। ओके, अच्छा आपको ब्राह्मण के बारे में भी इसमें दे रखा है, अभी इसमें सिर्फ आपके दो वेदास के बारे में बता रखा है, लाइक अथर्ववेद में ऐतरेय ब्राह्मण के बारे में बात हुई है और यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण के बारे में। ऋग्वेद में किसके बारे में बात हुई है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। 16 महाजनपद आर रेफर्स टू, मतलब ये जो 16 महाजनपद के बारे में जो बताया गया है जो हम आगे की वीडियो पढ़ेंगे, ये आपका लिखा गया है अंगुत्र निकाय में। ओके, तो यहाँ पर आपका कुछ ये छोटी सी हेल्पफुल वीडियो मैंने बनाई है, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।